सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अरे विकास, जरा गाड़ी रोकना। अरे विकास, हाँ? सामने के होटल से एक मिनरल वाटर की बोतल लेते आना। अच्छा ठीक। अरे नहीं रख यार, मेरे पास छुट्टे हैं। अरे बाबा, मेरे पास छुट्टे नहीं है, मुझे 1000 रुपयों का छुट्टा चाहिए। हाँ, 1000 का छुट्टा मेरे पास नहीं है। थैंक यू। ओके। एक मिनरल वाटर दो भाई। साहब आपके पास छुट्टा नहीं है? नहीं है भाई, इसीलिए तो बोतल खरीदी। ठीक है ना? ले भाई विकास, तेरा मिनरल वाटर। और ये रही तेरी चेंज, 988 गिन ले। थैंक्स यार, थैंक्स। चले। ओके। विकास, तुम चलो, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। देखो जल्दी आना, अगर देर करोगे ना तो धीरे नाराज हो जाएगा, उसका नेचर जानते हो ना तुम। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके, टेक केयर। रोशन इनामदार को जितना मैं जानता हूं उतना आप लोग नहीं जानते। पिछले 5 सालों से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, अब भी नहीं जानेंगे क्या? अजीत, मेरा ख्याल है मिस्टर शाह ठीक ही कह रहे हैं। बेटा, बिल बिल बिल। ₹14.50। क्या देख रहे हो? बाकी के पैसे वापस करो। साहब क्या मजाक कर रहे हो, आपने मुझे कहां पैसे दिए? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे निकालो बाकी के 985 रुपए 50 पैसे। 985 रुपए 50 पैसे और ये 14 रुपए 50 पैसे, यानी कि 1000 रुपए। 14.5 रुपए के लिए आपने मुझे 1000 रुपए दिए? जी हाँ, मैंने आपको 1000 का नोट दिया है। नहीं, क्या हुआ सर, क्या बात है? देखिए ना। शट अप। अरे भाई साहब, मैंने एक इडली खाई, बाद में एक कप चाय पी, मैंने 14.50 रुपए का बिल हुआ, उसके बदले में मैंने इन्हें 1000 रुपए का नोट दिया। अभी बोल रहा है मुझे पैसे नहीं दिए। नहीं दिए? मैं कहता हूँ मैंने दिया आपको। नहीं दिया? मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या सबूत है आपने मुझे पैसे दिए? सबूत? भाई साहब ये देखिए, 1000 रुपए का बंडल है, इसमें से एक नोट मैंने इनको दिया। इनका ड्रॉवर चेक कीजिए, अगर इसका नंबर उससे मिल जाता है तो मैं सच्चा, और नहीं मिलता तो मैं झूठा। यू आर राइट सर। चेक करो। चेक करो। ठीक है। ये क्या, ये क्या है, कैसे मिल गया? मैं झूठ बोल रहा था? मुझे झूठा बोल रहा है तुम? अरे एक नंबर का फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार एकदम। चलो एक काम करो, जल्दी पैसे दो हमको, बाकी का लगाओ मिस करो। निकालो निकालो। ठीक है, आएंगे ना ऐसे रेस्टोरेंट में जब चीटिंग चलती हो।
ले लीजिए। चलो चलो चलो, दोबारा इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आएंगे। कहा गया कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। लो आ गए रोशन, महफिल को रोशन करने के लिए। तो मेरी तारीफ हो रही है? तुमने अगर तारीफ लायक कोई काम किया हो तो तुम्हारी तारीफ जरूर होगी। अरे भाई, पिछले 5 सालों से आप लोगों के बिजनेस में पार्टनर हूं, ये क्या कम तारीफ की बात है? रोशन, इन 5 सालों में सिर्फ तुम्हारी कंप्लेंट आई। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? जब भी कोई बड़ी रकम तुम्हारे जरिए अदा की गई, हमेशा कैश के मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। मैं कुछ समझा नहीं। समझा था वो। मैंने तुम लोगों को आज इसलिए बुलाया था ताकि तुम भी जान लो कि रोशन ने बड़े बड़े नोटों के बंडलों में से एक एक दो दो नोट हमेशा निकाल लिए है। परसों तुम लोगों ने 5 लाख रुपए भेजे थे रोशन के साथ, उन बंडलों में से भी मुझे कम नोट मिले। मिस्टर धीरेन शाह, मुझे आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं कहा तो आप मुझे कहने वाले कौन होते हैं? रोशन, प्लीज कूल डाउन, कूल डाउन। लेकिन आइंदा के लिए ख्याल रखना। अरे नहीं यार, ये मुझे कहने वाले होते कौन हैं? देखा, सुन लिया तुम लोगों ने? मैंने तुम्हारे बिजनेस में फाइनेंस किया, तुम्हारे डूबते हुए कारोबार को आगे बढ़ाया। अगर पैसा आपने लगाया तो मुनाफा भी आपने ही कमाया है। आप हमें पैसे उधार नहीं दे रहे हैं या भीख में नहीं दे रहे हैं। अरे यार रोशन, प्लीज कीप इट कूल। देखा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मैं चोर हूं? बोलो यार। अरे मैं चोर हूं, एक बार भी बार बार करूंगा। मैं छोड़ूंगा, चोर आप। एक बार नहीं 100 बार मैं कहूंगा तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो। हिम्मत कैसे करोगे? क्या चोर कहेगा? चोर, चोर, चोर। अरे अरे मर गया अच्छी। अरे मर गया रे। अरे रोशन, रोशन अच्छी। आई सॉरी, आई सॉरी। अरे अरे माफी मांगनी है तो शाह साहब को माफी मांगो। जल्दी डॉक्टर को उठाओ। अरे मर गया, मेरी टांग गई। चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा आपको। अरे मेरा पैर टूट गया, कुछ नहीं होगा। अरे मेरी टांग, अरे मेरी टांग टूट गई। कौन दर्द हो रहा है भाई? ओ साहब जी, गांव में मेरी बीबी बीमार है, मुझे कुछ पैसा एडवांस चाहिए साहब जी। ठीक है, तुम मेरे लिए गर्म कॉफी लेकर आओ, बाद में सोचेंगे। ठीक है साहब जी। डार्लिंग, लगता है आज भी तुम पीछे के रास्ते से ही आई हो। तुम इस तरह आती हो तो मुझे बहुत डर लगता है, मगर तुम आई कब? तुम्हारे दोस्तों की वजह से मैं अभी आई हूँ, वरना तो मैं कब की आ जाती। डार्लिंग, उन सभी को मेरे दोस्तों का दर्जा मत दो, दे आर माय बिजनेस पार्टनर्स। ऐसे गैर जिम्मेदार और वाहियात लोगों के साथ तुम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो। क्या करूं डार्लिंग, बिजनेस में सभी का भरोसा करना पड़ता है। मैं रुपये इन्वेस्ट करता हूं तो कमाता भी हूं ना। क्या हुआ डार्लिंग, इतनी खफा क्यों हो गई? वो तुम्हारे पार्टनर से तो मैं कौन हूँ? अरे तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो डार्लिंग। वो भी गैर कानून।
अरे तुम तो मेरी चाहत हो, मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो। उन लोगों को लाखों रुपए दे सकते हो और मैं एक बुटीक खोलने के लिए कब से 15 लाख रुपए मांग रही हूँ, तुमने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी मुझे। क्या बात कर रही हो डार्लिंग, तुम प्रपोजल लाओ सब कुछ कर देंगे। डार्लिंग तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। फिलहाल हमें तुम्हारी जान नहीं, सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। मिल जाएंगे, तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। एक मिनट, गए काम से, अब तो 1 घंटे की फुर्सत। अरे दीपू साहब के लिए जरा कुछ ठंडा गरम ले आना। एक मिनट द फोन। हेलो, आओ जाइए। अरे शाह भाई आप, क्या पूरे 25 लाख? अब प्रशांत साहब मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे तो प्लास्टर चढ़ा हुआ है। नहीं बेटर हूँ मगर इतना बेटर नहीं हूँ कि मैं चल फिर सकूँ। तो मैं किसी और को आपके पास भेज देता हूँ। ठीक 9:30 बजे। ओके बाय। अजीत भाई अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ। ना भाई तुम रहना दो क्योंकि शाह तुमको जानता है और तुम शाह को जानते हो, खाम खा के खकड़बाजी होगी। अरे बाबा मैंने उस घटना के बाद माफी मांग तो ली थी, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा और क्या। ओके लेकिन ठीक 9:30 बजे, वरना तुम जानते हो कि वो कितना संक्षिप्त क्रैक आदमी। ठीक है बाबा मैं ठीक 9:30 बजे पहुंचूंगा। ठीक मैं चलूं। ओके गुड नाइट। दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों के चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, तुम्हारे साहब ने मुझे बुलाया है। अभी आप अंदर नहीं जा सकते साहब, बत्ती जल रही है, जब तक लाल बत्ती जल रही आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा। कोई भी नहीं जा सकता अंदर। अच्छा ठीक है मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। ठीक है आप बैठिए, बत्ती बंद होगी साहब, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू रामू, थैंक यू वेरी मच। यकीन नहीं है? नहीं तुमने साफ का खून किया है। We'll be right back.
डॉक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा है। इन्हें जीप में बिठाओ। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात, अंदर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, कोई पंखा वंखा नहीं है, फिर ये रेगुलेटर क्यों लगा हुआ है? साहब, उसके घुमाने से लाल बत्ती जलती है। ये लाल बत्ती क्यों जलती है? साहब, जब लाल बत्ती जल रही हो तो हमारे साहब कमरे में अंदर आने की किसी को इजाजत नहीं देते। ये रोशन साहब यहां पर कब आए थे? करीब 9:30 बजे। और तुम्हें ये कब पता चला कि शाह साहब का खून हो गया? साहब, रोशन जी जब आए थे तब लाल बत्ती जल रही थी, मैंने उनसे बैठने के लिए कहा, इतने में लाल बत्ती बंद हो गई। रोशन जी अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो बदहवासी में दौड़ते हुए बाहर निकले। दरवाजा खुला था, मैंने अंदर जाके देखा, हमारे साहब मरे पड़े थे। तुमने कुछ देखा, कुछ सुना, कोई झड़प या कोई झगड़ा वगैरह? नहीं साहब। रोशन साहब जब अंदर कमरे के गए, उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, तो तुमने कमरे के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देखा? जी नहीं। जब तुमने कुछ देखा नहीं तो तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मिस्टर शाह का खून रोशन साहब ने किया है? साहब, जब रोशन जी अंदर गए थे तब कमरे में और कोई नहीं था, और उन्होंने परसों हमारे साहब को धमकी भी दी थी कि जान से मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहली बात तो मैंने खून ही नहीं किया, और जहां तक रामू की बात है कि मैंने उन्हें धमकाया था, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था और मैंने फौरन माफी भी मांग ली थी, फिर भला मैं उनका खून क्यों करूंगा? अब आपने ये खून क्यों किया है ये तो आप ही जानते हैं, और आपके हाथ में ये खून क्यों लगा हुआ है इसका जवाब भी आप ही हमें देंगे। इंस्पेक्टर साहब, जब मिस्टर शाह के कमरे में पहुंचा और मैंने उनके सीने में धंसा हुआ चाकू देखा तो मैं घबरा गया। उसी घबराहट में मैंने उनके सीने में धंसा हुआ चाकू निकाल लिया। बावजूद उसके जब उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो मैं समझ गया कि वो मर चुके हैं, और बस इसी घबराहट में मैं बाहर भाग आया। आप यहाँ आए क्यों थे? इतनी रात गए, आप यहाँ मिस्टर शाह के घर क्यों आए थे? इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर शाह मेरे पार्टनर थे, और दूसरे दिन सुबह में 25 लाख रुपयों का पेमेंट करना था, बस वो रुपये लेने मैं इनके पास आया था। मैं तो कभी भी मिस्टर शाह के घर नहीं आता अगर अजीत की तबीयत ठीक होती। अजीत घायल हो गया था इसलिए मुझे आना पड़ा। ये अजीत कौन है? जी मैं अजीत आहूजा। ये विकास भार्गव और रोशन जो आपकी कस्टडी में है, हम लोग बिजनेस पार्टनर। वो मिस्टर धीरेंद्र शाह, वो भी आपके पार्टनर हुआ करते थे ना? नो, एक्चुअली ही वॉज अ स्लीपिंग पार्टनर, आप उन्हें फाइनेंसर भी कह सकते हैं।
रोशन साहब का ये कहना है कि उन्होंने मिस्टर अजीत आपने उन्हें शाह साहब के घर कैश लेने भेजा था। जी हाँ, मैंने रोशन को भेजा था। दरअसल क्या है कि मिस्टर धीरेन शाह का 9 बजे फोन आया था मेरे पास कि 25 लाख रुपए का बंदोबस्त हो गया है और मैं उसे कलेक्ट कर लूं। अब आप तो देख ही रहे हैं कि मैं कहीं आ जा नहीं सकता, इसलिए मैंने रोशन को भेज दिया। लेकिन मिस्टर अजीत, शाह साहब के पास से ऐसी कोई रकम तो बरामद नहीं हुई। देखिए, ऐसा है कि रकम के मामले में रोशन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हो सकता है उसी ने वो रकम इधर उधर कर दी हो। लेकिन हमें रोशन के पास कोई कैश बरामद नहीं हुआ। अभी अभी आपने बताया था कि कैश के मामले में रोशन साहब की रेपुटेशन अच्छी नहीं। जी। तो फिर आपने रोशन को ही कैश लेने क्यों भेजा? अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आप चले जाते। वेल, देखिए क्या है ना कि उस समय विकास यहां पर था नहीं। एग्जैक्टली। और धीरेन शाह ने कहा था किसी आदमी को भेजने के लिए, तो ये भी नहीं था तो मैंने रोशन को भेज दिया। तो आपने बताया कि शाह साहब का फोन आपको 9 बजे आया था। जी ठीक 9 बजे। क्या सर कि 9 बजे वाली टीवी न्यूज सुनने की मेरी आदत है, और जिस वक्त शाह का फोन आया था उस समय न्यूज बस शुरू हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि कत्ल रात 8:30-9:30 के बीच हुआ। अगर आपका बयान, आपका ये 9 बजे वाला बयान उसमें जोड़ दिया जाए तो कत्ल 9:30-9:30 के बीच हुआ। आप कहां थे? मैं? जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं मिस्टर विकास भार्गव। याद आया कुछ? हाँ याद आया, मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा डिनर ले रहा था। अकेले थे या किसी के साथ थे? नहीं, कोई था मेरे साथ। ये बताइए मिस्टर विकास कि उस वक्त आपके साथ दूसरा कौन था? That is my personal matter, मिस्टर। This is none of your personal matter, मिस्टर विकास। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ कौन बैठा था, क्योंकि उसका बयान हमारे केस सॉल्व करने में मदद कर सकता है। कम ऑन, स्पीक अप नाउ। अपूर्वा थी मेरे साथ, अपूर्वा मेहता। बस यूं तुम अपूर्वा के साथ थे? अरे हाँ यार, मेरे साथ वो नहीं हो सकती क्या? कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है मिस्टर विकास भार्गव। क्या इस बात को वो अप्रूव कर सकती हैं, एंडोर्स कर सकती हैं? ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर भारत, अगर आप चाहें तो उसे फोन कर सकते हैं। नंबर मैं बता देता हूं आपको, 9820-58298। 9820-58298। ये नंबर तो वो नंबर है जो शाह साहब के मोबाइल से आखिरी बार डायल किया गया। इसके मायने क्या हुए कि मिस्टर शाह का मिस अपूर्वा के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। जी नहीं, मेरा मिस्टर शाह के साथ कोई रिश्ता नहीं था। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिस अपूर्वा में। 8:35 पे आपकी फोन पर मिस्टर शाह के साथ लगभग 2 मिनट तक बात हुई थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है उनका वो मोबाइल। बट इट वॉज जस्ट अ फॉर्मल टॉक। दरअसल मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती थी, मिस्टर शाह मुझे काफी कम इंटरेस्ट पर रुपया दिया करते थे, और कभी कभार इसी सिलसिले में बातचीत हो जाती थी बस। आपको
इस वक्त भी पैसों की जरूरत है? जी नहीं, मैंने ये कब कहा? आपको नहीं तो आपके दोस्त को होगी, वो मिस्टर विकास भार्गव को। विकास? हाँ, उनके मुताबिक कल जब कत्ल हुआ 8:30-9:30 के बीच रात को, तो आप दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे थे। Oh yes, he's right. इस बात को साबित करने का आपके पास कोई तीसरा गवाह है? क्या मतलब? मतलब ये मिस अपूर्व मेहता कि जब कोई शख्स किसी की एलिबाई बनता है तो उसकी एलिबाई खुद ब खुद बन जाती है। यानी कि आपका मतलब है हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा ये बताइए मिस मेहता कि जब आखिरी बार आपकी मिस्टर शाह के साथ बात हुई थी मोबाइल पर 8:35 पे, तो आपको कोई उनकी बात खटकी थी? कुछ अजीब सा लगा कि कोई उन्हें कोई खतरा है या समथिंग लाइक दिस? नहीं, वो तो काफी खुश लग रहे थे। लेकिन हाँ, कॉल एंड करने से पहले उन्होंने एक अधूरा सा सेंटेंस बोला था, शायद वो किसी और से कुछ कह रहे थे। और वो सेंटेंस क्या था? तुम इस रास्ते से, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तुम इस रास्ते से, मतलब ये कि शाह जिस समय फोन कर रहा था उसी समय कोई आदमी पिछले दरवाजे से अंदर आया। पिछले दरवाजे को उसने इसलिए यूज किया ताकि उसे कोई देख ना पाए। अब हो सकता है कि वो आने वाला शख्स ही कातिल रहा हो। और इस हिसाब से ये कत्ल 8:35 के आसपास हुआ होना चाहिए, जबकि शाह ने अजीत को 9 बजे फोन किया था। यानी कि शाह 9 बजे तक जिंदा था, क्योंकि मरने के बाद वो फोन कैसे करेगा? दोस्तों, मुझे इस घड़ी की एनलार्ज फोटोग्राफ चाहिए। इसे स्कैन करके मुझे इमीडिएटली दे दो। सर, दैट्स इट। ये घड़ी टूटी हुई है, हो सकता है कि कातिल के साथ हाथापाई के दौरान ये घड़ी टूटी हो। जो सभी तस्वीरें हैं, 11:30 ली गई थी, और घड़ी जब बंद पड़ी है ये समय बता रही है 8:40। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि कत्ल 8:40 पे ही हुआ है। सर, ये भी हो सकता है कि घड़ी टूटने के बाद बंद हुई हो, लेकिन वो रोशन के वहां पहुंचने के बाद जो इंडिकेटर लाइट ऑफ हुई, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल मिस्टर शाह का कत्ल करने के बाद उनके घर में 1 घंटे तक मौजूद था। सब उस इंडिकेटर स्विच पे टाइमर लगा हुआ है, तो टाइमर आप सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से वो लाल लाइट जब चाहे जला सकते हैं और एग्जैक्टली उसी टाइम पे लाल लाइट बंद भी कर सकते हैं। यू मीन अलार्म क्लॉक, वो जैसे फोन में 116 डायल करके किसी भी टाइम का अलार्म फिट कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन सर, अगर मिस्टर शाह का कत्ल 8:40 पर हुआ है, तो फिर शाह ने 9 बजे फोन कैसे किया?
सर, कातिल को मिस्टर शाह ने फोन नहीं किया, बल्कि यूं कहो कि मिस्टर अजीत को शाह साहब ने फोन नहीं किया, कातिल ने किया था, अपने खिलाफ मजबूत एलिबाई तैयार करने के लिए। लेकिन सर ये कातिल है कौन? थैंक गॉड 8:30 to 9:30 तक हम साथ में थे, वरना हमें इतनी परफेक्ट एलिबाई कैसे मिलती? राइट, सारा वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। विकास, तुमने कभी सोचा है कि अगर शाह जिंदा होता और उसे पता लगता तो क्या होता? वो तुम दोनों को जान से मार देता। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आनी थी, उससे पहले ही शाह साहब का खून हो गया, वो परलोक से धार गए। भारत, कुछ पता चला कि रोशन ने वो रुपए गायब कैसे किए? मिस्टर अजीत आहूजा, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि रोशन बजाज ने धीरेन्द्र शाह का खून नहीं किया। दरअसल उसने उनके पैसे भी नहीं चुराए थे, रोशन बजाज के वहां पहुंचने से पहले ही मिस्टर धीरेन्द्र शाह का खून हो चुका था। हाउ कैन यू से दैट? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि खून 8:30 to 9:30 के बीच हुआ है। जी हाँ, और मुझे तो पूरा यकीन था कि शाह साहब 9 बजे से पहले मर चुके। I'm sorry अजी साहब, I'm extremely sorry। अजी साहब, मैं आपसे ये पूछने आया था कि 9 बजे जो शाह साहब का आपको फोन आया था, वो आवाज उन्हीं की थी? जी हाँ। आपको अच्छी तरह याद है अजी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि शाह साहब की आवाज में कोई मिमिक्री कर रहा हो, उनकी आवाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहा हो? कोई खराश, कोई खांसने की आवाज, कोई ऐसा मैनरिज्म जो आपको याद हो? नहीं इंस्पेक्टर भारत, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जरा दिमाग पे जोर डालिए जी साहब, कहीं कोई लड़की लड़के की आवाज में बात करने की कोशिश कर रही हो? जरा दिमाग पे जोर डालिए ना जी साहब। क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं आप खाम खाम मुझे जबान देने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आप मेरा बयान बदलवाना चाहते हैं, जबकि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि वो आवाज शाह की थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है अजीत बाबू, मिस्टर धीरेन्द्र शाह का कत्ल तो 8:40 पे हो गया था, तो 9 बजे उन्होंने आपको फोन कैसे किया? उनके भूत ने फोन किया था क्या? What? ये आप कैसे कह सकते हैं? वो ऐसे कह सकते हैं मिस मेहता, ये मिस्टर शाह की घड़ी की तस्वीर है, हाथापाई के वक्त दब के बंद हो गई, इसमें समय है 8:40। इसके मायने क्या हुए कि कत्ल ठीक 8:40 पे हुआ था। अगर इंस्पेक्टर भारत, ये भी तो हो सकता है कि घड़ी पहले बंद हो गई हो और बाद में टूटी हो। जिसका भी जवाब है मेरे पास, ये देखिए जो अभी भी चल रही है इसकी सेकंड्स की सुई ऑन है और आवर का कांटा जो है वो बंद है। एनी मोर क्वेश्चंस? पर इंस्पेक्टर, मुझे जो रात को 9 बजे मिस्टर शाह का फोन आया था वो मिस्टर अजीत आहूजा, मिस्टर शाह ने आपको कोई फोन किया ही नहीं था। दरअसल सच तो ये है कि आपको कोई फोन आया ही नहीं था। What nonsense you are talking? जिस वक्त धीरेन शाह का फोन मेरे पास आया था, उस वक्त मेरा नौकर दीपू और रोशन यहां मौजूद था, और वो आवाज धीरेन शाह की थी। घंटी बजी थी, टेलीफोन की सिर्फ घंटी बजी थी, और वो घंटी भी आपने बजाई थी। आप अपने नौकरों को कुछ भी बोल सकते थे, शाह का फोन है या किसी का भी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर भारत? वेरी सिंपल मिस अपूर्व मेहता जी, हमारे इस टेलीफोन वालों ने भी इस टेलीफोन में बहुत सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं। मिसाल के तौर पे 116 से आप अलार्म फिक्स कर सकते हैं, और 161 दबाने से आप रिंग चेक कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे? तवज्जो दें।
इन फैसिलिटीज को आप जब चाहें जहां चाहें यूज कर सकते हैं। लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर मैं ऐसा क्यों करूंगा? वेरी गुड क्वेश्चन। वो आप ऐसा यूं करेंगे मिस्टर अजीत आहूजा अपनी एलिबाई मजबूत करने के लिए। 9 बजे मिस्टर शाह का फोन आया, आपने यहां फोन अटेंड किया यह साबित करने के लिए कि मिस्टर शाह 9 बजे जिंदा थे और आप यहां पर घर में मौजूद थे, लेकिन फैक्ट यह है कि 8:40 पे आप मिस्टर शाह का खून कर चुके थे। बकवास कर रहे हैं आप, बकवास कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि मेरे पैर में प्लास्टर है और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मैं यहां से चलकर, जो कि एक आदमी चल फिर नहीं सकता, वो यहां से चलकर शाह के यहां गया और उसने कत्ल कर दिया उनका। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया, मैं तो वाकई दिमाग खराब हो गया। आपकी तो प्लास्टर लगा हुआ, आप तो चल भी नहीं पाते। क्या कर रहे हैं आप? तो ये है वो नकली प्लास्टर मिस्टर अजीत आहूजा, और आपके इस नकली प्लास्टर का रहस्य तो उसी वक्त खुल गया था जब मैंने आपको जानबूझ के ठोकर मारी और आपको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। मिस्टर धीरेंद्र शाह का खून करके उसका इल्जाम आपने रोशन बजाज पर डालना चाहा, लेकिन ये भूल गए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अजीत, तुमने शाह भाई का खून क्यों किया? मैंने शाह का कत्ल इसलिए किया क्योंकि मैं अपने सिर पर लटकती हुई तलवार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शाह ने मेरा जीना हराम कर दिया था। अगर मैं शाह का कत्ल नहीं करता तो वो मुझे मार डालता। आप रुआ डाली, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम इस रास्ते से? तुम्हारा पांव तो फ्रैक्चर्ड था ना? मेरे पांव के फ्रैक्चर की चिंता मत करो और अपने 2 करोड़ रुपयों की चिंता करो। दरअसल मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी और मैं नहीं चाहता था कि हमारी और तुम्हारी इस मीटिंग की खबर किसी को भी लगे। अगर तुम रुपया मांगने आए हो तुम भूल जाओ, पहले भी मैं तुम्हें 2 करोड़ बिजनेस के लिए दे चुका हूं और वो रुपया तुमने अयाशी में उड़ा दिए। अगर तुमने रुपया वापस नहीं लौटाया तो ये बात मैं बिजनेस पार्टनर्स को बता दूंगा, तो नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, जानता हूं, और इसलिए मैं उन 2 करोड़ रुपयों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए आया हूं। शाह के कत्ल का इरादा तो मैं बहुत पहले कर चुका था, लेकिन मुझे इसका मौका नहीं मिल रहा था। उस दिन जब रोशन और शाह का झगड़ा हुआ तो मैंने 1 तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया। शाह की मौत के बाद 1 पार्टनर मेरा कम हो जाता और इसीलिए मैंने नकली फ्रैक्चर और प्लास्टर का नाटक किया। एक छोटी सी सुई ने
तुम्हारे सारे के सारे प्लान के गुब्बारे की हवा निकाल के रख दी। मिस्टर अजीत आहूजा, जुर्म की कश्ती कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, एक छोटा सा सबूत का सुराख उसे डुबाने के लिए काफी होता है। मैं तुम्हें धीरेंद्र शाह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।